हम लोगों ने ज्ञाप यहाँ एप्लीकेशन दिया, एक महीने बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और हम लोग सहयोग भी किए उसमें, अपने चौकी इंचार्ज महोदय अनंत साहब भी थे, पूरा अनंत साहब पूरा अपने क्षमता लगा दिए थे, सहयोग किए। हम लोग यहाँ ला करके बैठ उसको बैठाया गया आज 23 तारीख को बैठाया गया, उसके बाद शाम को, उसके बाद आज सुबह वो 3 बजे यहाँ से फरार हो गया। उसके बाद भी गार्जियन को सूचना नहीं दिया जाता है कि वो फरार हो गया, आप लोग सतर्क रहिए, कोई बात घटना घट जाती है और हमको ही थाने के अंदर, थाने के अंदर अपराधी वो व्यक्ति हमको जान से मारने की धमकी भी दे गया है। और दूसरी बात, वो कबीर हत्याकांड में आरोपी भी है, कबीर हत्याकांड से वहाँ दुधारा थाना से वो भगा भी था। नाबालिग लड़की को नवरत्न भोलू नाम के व्यक्ति ने उसको नाबालिग लड़की को भगा के ले गए थे, जिस पर हमारी पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले आई थी भोर में। उल्टी की बात उसने बताया और उसको हवाला से बाहर करके उसका उपचार टाइप का करके उसको बैठा दिया गया, तब तक वो सही था। उसके बाद मौका लगा और वो थाने से फरार हो गया। बाकी जितने भी चीज़ें हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, और बजरंग दल के जो भी लोग हैं उनको मैंने आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी कार्रवाई होगी कानूनी प्रक्रिया के तहत वो की जाएगी।